इन दोनों को देख के तो मुझे याद आ रही है रमना और लाइका की। जिसने पकड़ना से अपनी मर्जी से लगा कर आया उसे तो वैसे अच्छी लगवानी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम क्या बनी हो? मैं मेहंदी। कोई भी नहीं, बस ले लो कटा। मैं भी प्यार कर ही लेती हूँ यार, मुझे कुछ ना कहना ठीक है ना। अगर मैं हूँ और वो जो बैठा है वो भी मुझे नहीं पता वो कौन है। चलो भाई की वैसे तुम्हारा भी खाना है। अभी बजा है। बिल्कुल तेरी शक्ल जैसी है। Assalamualaikum guys, hope you're doing well. This is me, Neha Malik. Welcome back to my YouTube channel and welcome to another beautiful day and welcome to another beautiful vlog. So guys, आज है चांद रात, बल्कि चांद की सुबह है आज तो लेकिन अभी चांद रात होने लगी है, आज ही है और कल है ईद। तो आप सबको चांद रात बहुत 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 मुबारक हो। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? इतने दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मैं भी ठीक ठाक आपके सामने, आपकी प्यारी सी बहन। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने लगा है, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने लाइक किया, कॉमेंट किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर दें ताकि आपकी बहन खुशी खुशी से ये व्लॉग कर सके। अच्छा तो गाइस आज का व्लॉग बहुत मजे का होने लगा है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज मैं मिलने लगी हूँ अपने प्यारे प्यारे बकरों से, और वैरा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं अभी तक देखा। आज ही हमारे घर में सब कुछ आया, वरना पहले तो कहीं और रह रहा था। पापा ने सब ले लिया था पहले ही, लेकिन कहीं और रखा हुआ था, लेकिन आज आया है और आज मैं उनसे मिलने जाऊँगी। देखती हूँ कितने प्यारे हैं, माशाल्लाह से ऊपर ऊपर से देखा है मैंने, बस नीचे जाकर मैंने नहीं देखा। तो अब मैं चलती हूँ, उनको मिल के आती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कितने प्यारे हैं माशाल्लाह से। तो आ चुकी हूँ और माशाल्लाह से खुशियाँ जी, ये देखें कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह। गाइस ये हैं दो वाइट, इन दोनों को देख के तो मुझे याद आ रही है रमना और लाइका की। कैसे हो जी? टिको ना यार, मुझे इग्नोर कर रहा है। मैंने तुम्हें खुद का नाम दिया। इधर देखो गाइस, वो ये देखेंगे गाइस, ये तो गुस्सा कर रहा है, गुस्से में लग रहा है। और वो पड़ी हुई है हमारी जो है गाइस, ये है माशाल्लाह से हमारा खूबसूरत वैरा। मुझे इससे डर लगता है, मैं इसके पास नहीं जा रही। मैं भी प्यार कर ही लेती हूँ यार, मुझे कुछ ना कहना ठीक है ना। अब देखा है इसने, या अभी इसे शर्म आई है कि इससे कोई मिलने आया है ना। गाइस ये जैसे कि आपको बताया कर रमना लाइका, और ये मुझे लग रहा है मैं हूँ, और वो जो बैठा है वो भी मुझे नहीं पता वो कौन है। चलो अब चलते हैं अंदर। और अभी हाँ चांद रात है, जैसे मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा जो ड्रेस है उसकी थोड़ी सी फिटिंग वगैरह रहती है, तो चलते हैं क्योंकि मामा से फिटिंग करवाऊंगी। मामा कहीं जल्दी से ड्रेस ले आ। आप लोगों को मैं अभी ईद का ड्रेस नहीं दिखाऊंगी, सरप्राइज होगा, कलर भी सरप्राइज होगा, मज़ा नहीं आएगा यार। तैयार हो गया मैं भी, आपको पता चल जाएगा मैं क्या पहनने लगी हूँ। तो ऐसे लेके चलती हूँ, दिखाऊंगी नहीं आपको। मामा से इसकी फिटिंग वगैरह करवाती हूँ, जो मसला है वो करती हूँ। हाँ यार इसकी ओके कितनी खड़ी है, कैमरे में ऐसी लग रही है, कैमरे में लग रही है चुड़ैल, चुड़ैल नहीं जुड़ानी लग रही है। मैं मुँह से हर टाइम चुड़ैल ही निकलता रहता। खा मेरे शेर खा, और तू बहुत कुछ खा जा, कल तू हमें छोड़ के चला जाएगा, जनती लोग गाइस मुझे भी साथ ले जाना। मेरी एक छोटी सी उंगली पकड़ना और मुझे साथ ले जाना। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं यार, ये खाली हो गया, खाली तो नहीं, थोड़ा सा थोड़ा सा खा लो। क्या खोल दूँ? हाँ खोल दे दे, उनको बहुत भूख लगी है गाइस। चले इनको खाना वगैरह खिला देते हैं एक दफ़ा, फिर मिलती हूँ आपसे, लेकिन इनको बहुत भूख लगी है। इतनी गर्मी में जो मैंने अभी एसी चला दी है ना, अब उसके आगे आराम से बैठ गई हूँ मैं। तो गाइस मैं अब रात हो चुकी है, मेरे कुछ काम थे वो मैंने करने थे, वो मैंने कर लिए हैं, लेकिन एक काम तो रह ही गया, मेहंदी लगवाना। आपके बहन के हाथ खाली हैं, अभी कुछ भी नहीं लगा। मलाइका के मिनते वगैरह मैंने कर लिए हैं, अब वो आएगी नीचे, मुझे मेहंदी लगाएगी, प्यारी सी मेहंदी लगवाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। और गाइस आप लोगों ने हमारे बकरे वगैरह देख ही लिया होगा, छतरे वगैरह भी थे,
और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारा प्यार दिखाना है इस ब्लॉग के लिए। वो ब्लैक कार्ड अपना दोनों आती हैं, हम फिर थोड़ा सा शुगर मेला लगाते हैं और मेहंदी वगैरह लगाते हैं, अब उनको इंतज़ार करना पड़ेगा ऐसी। सो गाइस, मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोगों की चांद रात कैसी गुजर रही है, आप लोगों ने क्या जानवर लिया है कुर्बानी के लिए, क्या कर रहे हैं, मुझे तो बताएंगे ना आप लोग, मैंने भी तो बताया। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या लिया है, ठीक है ना। मुझे भी देखना है कि जो मुझे देखते हैं तो उन्होंने क्या लिया है, लोगों ने क्या लिया है। तो अभी तक मैंने बाहर निकल के किसी की भी कोई कुर्बानी नहीं देखी, अभी तक कोई जानवर नहीं देखा, सिर्फ गर्मी में बैठी हुई हूँ। पर शॉपिंग के लिए बाहर गई थी तो अभी तक मुझे नहीं पता, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने कितने प्यारे प्यारे जानवर लिए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट करने हैं आप लोगों ने। सो गाइस, रमना मैडम आ चुकी हैं, अभी लाइका मैडम नहीं है, जिससे वो मेन बंदा नहीं है जिसने मुझे मेहंदी लगानी है। इसने अपने मेहंदी के डिज़ाइन निकाली है या नहीं, क्योंकि मैंने तो निकाली है, क्योंकि लाइका जो है वो बहुत डांटेगी अगर मैंने ना निकाले हुए। तो हाँ जी रमना जी, तुमने निकाली है। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? नहीं अभी तक उनका जवाब तो आने देते, वो कहते ना हम ठीक है, तुम बताओ। ये थोड़ा सा हाल चाल लंबा हो जाता तुम्हारा। नहीं ऐसे ठीक है। तो नहीं निकाला तुमने? नहीं अभी निकाल रही हूँ, बोलेगी आगे तुम भी निकाल लो। देखा गाइस, जिस बंदे से काम करवाने हैं ना, तो आपने उससे प्यार से बात करनी है, शराफत से बात करनी है। तो हमें भी शरीफ मरना पड़ता है जब हमें काम पड़ता है। तो गाइस ब्लैका आ चुकी है और अब मुझे अभी मेहंदी लगवानी है, क्योंकि बहुत बेसब्री से मेरा इंतज़ार है कि मैं कब अपने हाथ प्यारे प्यारे कलर के करूँगी। ये आपको पता है, ये मैं अभी बात कर रही हूँ ना, ये मुझे मारने के लिए आगे हो रही थी। हाय हाय, झूठी गाइस, ये कैमरा ऑफ था तो इसने मुझे धमकी दी है कि मैंने तुझे मेहंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगानी। तो गाइस अब अल्लाह बड़े अच्छी लगे, मुझे अच्छी लगे, तुझे ना अच्छी लगे। तो गाइस अब मेहंदी के डिजाइन इसके आगे रखती हूँ खोल के, ठीक है। तो गाइस अब मेहंदी के डिजाइन इसके आगे रखती हूँ खोल के और फिर मेहंदी लगवाती हूँ, इसी फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। गाइस डिजाइन मैंने निकाल लिया है, जो मैंने अपने दोनों हाथों पे लगाना है। ये प्यारा है ना, मुझे यही पसंद आया था, मैं काफ़ी दिनों से नज़र थी इस डिज़ाइन पर। एक और डिज़ाइन मैंने निकाला है, मैंने देखा था वो किसी लड़की ने लगाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे मैंने ये लगाना था, लेकिन क्या करूँ, वो मिली नहीं मेरी लड़की, मैंने उसको फॉलो भी किया उसका डिज़ाइन ही नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, पहले ये वाले हाथ पे लगाती हूँ, फिर ये वाला बाद में देखेंगे। क्या वो डिज़ाइन दिखा देती पहले? मैंने बता दिया, उल्टा पकड़ा तुमने। हाँ सही है, मैं चलाक हूँ, मैंने दिखा दिया। मैंने कहा पहले तुम दिखा, मैं दिखा देती। चलाक तो हो, कोई नहीं बात तो। गाइस अब मैं दिखा देती हूँ। 14 अगस्त पर नहीं हो गाइस, वो देखें वो रमना 14 अगस्त। और तुम क्या बनी हो? मैं मेहंदी कोई भी नहीं, बस मैं लुक करता हर मैंने कोई लाइट नहीं की थी, अच्छी मुझे नहीं था, मुझे था मुझे था कि तुम खुद ही कर लोगी। मैं बस फान लिया फेस, मैंने 8 हाथ और पकड़ने हैं। मुझे 1 रुपया निहाल की करतूत बताती है, जरा पास लाने हैं कैमरा। ये कहती है मुझे बकरा ला के दो, मैंने उसके साथ वीडियो बना लिया और मैं बकरा लेके आई और इसने बकरे के साथ पिक्चर लेके उसको छोड़ दिया और मैं वो आगे भाग गया, मैं उसके पीछे पीछे उसके साथ। आज गाइस पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा था, मेरे से भी डर लग रहा था और बकरे से लग रहा। बेवकूफों की तरह भाग रही थी, शरीर जानवर लाए इस बार। हाँ हमेशा मेरे शरीफ लाते हैं। आओ तो बड़ी शरीफ गाइस, तो वाजे से बदमाश निकलाते हैं। ये जो भी आपको मेहमान बताती है सब गलत होता है, आप देखते हैं मुझे गाइस। किसी का सीक्रेट और किसी का सीरियस जाननी हो तो उससे बैड माइंड से अलग नहीं, आपने बिल्कुल लड़का से रब्ता नहीं करना। पता क्या है, यहाँ पे मुझे डांट के मुझसे थोड़े से करके मुझसे जैसे मर्जी डिजाइन करवा लेती है, बाहर वैसे नहीं चलनी। बाहर जिसने पकड़ना है अपनी मर्जी से लगा कर उसे तो वैसे अच्छी लगवानी है।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो ठीक है। ब्लैक का दिमाग में, ब्लैक का कभी कभी दिमाग चलता है, तो उसके दिमाग में एक चीज आई है कि डोंट माइंड वाला चैलेंज होगा, तो हम कुछ भी उसके साथ करें वो माइंड नहीं करेगा। रमना के साथ यस गाइस, वो बहन जो मेरी खड़ी है ना बड़ी गुस्से वाली है, ठीक है ना, थोड़ा गुस्सा उसका हार्ट सबसे कम गुस्सा होता है, सबसे जो वो हौसले वाली हो ना सबसे पहले मैं हूं। ये बिल्कुल तेरी शक्ल जैसी है होते हैं, लेकिन एट द एंड तो लगवानी मुझसे ही होती है हमेशा की तरह। कितनी मैच कर रही, कितनी प्यारी लग रही है ना, से अल्लाह पूछेगा तेरा, देखी अब मजबूरन इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, अल्लाह मजबूरन दफा भी हो जाएगी यहां से, लास्ट दफा मैं कहती हूं कैमरे में लास्ट दफा रिकॉर्ड हूं, आईदर से नहीं लगाऊंगी। हां ये बात पे रहना, बस हो गया, मुझे खुद इतनी अच्छी आती है, मैं क्यों इसके आगे बैठती हूं, इतनी बकवास लगाती हूं। फाइनली मेरी रात को 3:45 जैसा आप टाइम देख ही रहे हैं, तो मेहंदी लग चुकी है, ये जैसे किसने मुझे लगाई थी, मुझे इतनी पसंद नहीं है ये वाली लगाई, आगे मैंने खुद लगवाई थी लेकिन साथ में लगी है, तो अब देखो मुझे मेहंदी लगा के फौरन ना भाग गई अपनी वीडियोस के लिए, ये चुड़ैल। तो गाइस अब मैंने मेहंदी लगा लिया है, रात के 3 बज गए हैं, इसको मैंने एडिट वगैरह करना है, और मेहंदी लगाते हुए हमें बहुत फन किया ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, आपने इस व्लॉग को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हर आने वाला न्यू व्लॉग, अच्छा व्लॉग, छोटा मोटा व्लॉग आप तक पहले पहुँच जाए। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखेगा, अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।